No, 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 no. गाइस कल इतना बारिश हो रहा था कि हम लोग अच्छे से वीडियो नहीं बना पाए कल वनवासी केंद्र का। और इतना बारिश हो रहा था कि मतलब हम लोग जो फ्रेंड था सोनू उसके घर गए, सोचे कि फिर एक का घंटा के बाद अगर बाहर निकल कर वीडियो बनाएंगे, बट इतना बारिश हो रहा था कि हम लोग वीडियो नहीं बना पाए। और गांव भी कल हम लोग नहीं गए, रुक गए उसी के घर पे। और आज फिर मॉर्निंग में हम लोग निकले हैं ब्लॉग वीडियो बनाने के लिए। यहाँ पर बिजली का सुविधा बहुत ही मस्त है, मतलब 24 घंटा में मतलब 22 घंटा यहाँ पे बिजली रहता है। और नेटवर्क का व्यवस्था बहुत ही बेकार है भाई लोग यहाँ पे। नेटवर्क मतलब हम अपना जियो और एयरटेल के लिए आए हैं, सिम डाले हैं, यहाँ जियो एयरटेल का टावर ही नहीं है। और BSNL का यहाँ पे टावर रहता है तो वो भी बेकार चल रहा है इस टाइम, हल्का फल्का। मतलब यहाँ पे आप बात कर सकते हैं तो tell me you're no good. I'm brushing away to you, the weight of you of my shoulders. Done with my cigarette. और आगे लेकर चलते हैं। यहाँ पे अधरत का ब्लॉक भी है, आप लोग को जैसे दिखा रहे हैं। ब्लॉक को पहुंच चुके हैं और देखिए वो जो लौक रहा है मूर्ति और शहीद बिरसा मुंडा जी का है, जो बहुत ही बढ़िया और लेखक थे। और यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ब्लॉक के पास पहुंच चुके हैं और देख रहे हैं हम लोग का भारत का जो तिरंगा है, शान वान है उसका पूरा। Yeah, money that is time and hour. Time and so, hour. Yeah, well, I better activate the power. I'ma activate it, gotta make it, gotta chase it. हो गया है यहाँ पे। और देखिए यहाँ बहुत बहुत ही बढ़िया चौराहा है। हम लोग बैठे हैं और जैसे कि बता रहे थे कि बर्फी का दुकान, वहाँ पे बर्फी का दुकान है बहुत ही यहाँ का मशहूर। जा रहे हैं हम लोग वहाँ पे बर्फी खाने के लिए। ये देखिए अधौरा का मिडिल स्कूल है 1 से 8 तक। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ का स्कूल का। अंदर हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि अभी पढ़ाई हो रहा है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे स्कूल बना हुआ है, मिडिल स्कूल। और सड़क बहुत यहाँ पे बहुत बहुत ही बेकार है। बिफोर मतलब ज्यादा मतलब जितना गांव है वहाँ पे मतलब पूरा गांव लोग जाएगा वहाँ पे देखने के लिए। चलिए आप लोग लेकर चलते हैं।
लोग जा रहे हैं जहाँ बोल रहे थे टंकी बजाने नेटवर्क चलाने के लिए सुविधा है वहाँ पे, मतलब हल्का फल्का नेटवर्क बढ़िया से आ जाता है। और जैसे कि हम लोग जा रहे हैं अभी देखिए पहाड़ पे ऊंचास पे है और धौरा मतलब मार्केट से 30 मिनट का रास्ता है पैदल आने पे, हम लोग पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो पाइप लग रहा है वो वाटर वाला पाइप है, यहाँ से मतलब पानी का भी सप्लाई पूरा अधौरा में होता है यहाँ से ही। अभी हम लोग जा रहे हैं रास्ते में बहुत हम लोग जंगल पे आ गए हैं, टंकी पूरा एकदम ऊपर जंगल पे है, हम लोग थक चुके हैं पूरा आने में। देखो पूरा हरा भरा और ब्यूटीफुल नज़ारा है, पूरा एकदम पहाड़ पे हम लोग आ चुके हैं। और यहाँ नेटवर्क भी आ गया है मेरे मोबाइल का, अरे पास में मतलब कुछ किलोमीटर की दूरी पर खलियारी गाँव है, वहीं पर नेटवर्क है, वहीं का नेटवर्किंग यहीं कनेक्ट होता है। और हम लोग अभी जंगल पे चढ़ रहे हैं, पूरा चढ़ते चढ़ते पूरा एकदम पसीना पसीना हो गया हम लोग का। हम लोग टंकी के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ पे सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए, अभी हम सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं ऊपर जाने के लिए। चलिए आप लोग को और ब्यूटीफुल नज़ारा दिखा रहे हैं पूरा धौरा क्षेत्र का। गाइज हम लोग टंकी पे आ चुके हैं और यहाँ से पूरा एकदम अधौरा क्षेत्र पूरा एकदम बढ़िया से लोगों का, मतलब जितना ही है चैनपुरा जितना ही गांव है पूरा बढ़िया से लोगों का। देखिए मेरा फ्रेंड यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे यहाँ से अगर गिर जाएंगे तो पूरा ऊपर चले जाएंगे भगवान के पास। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं वहाँ और जहाँ लौक रहा है पूरा अधौरा क्षेत्र है। इधर देखिए आप यहाँ पे खलियारी, इधर चले जाइएगा इधर ही मतलब और ज़्यादा मतलब गाँव है और पूरा ही बहुत मतलब ये टंकी पाने पर पूरा एकदम नेटवर्क बहुत ही फ्रेश आ गया जियो का और यहाँ पे बहुत फ्रेश चल रहा है नेटवर्क, मतलब यहाँ अधौरा से यहाँ आने के बाद नेटवर्क फ्रेश चल रहा है, बहुत ही अधौरा गांव में नेटवर्क। यहाँ का अधौरा का बहुत ही ब्यूटीफुल नजारा है, देखिए थक चुका है, चगने में बहुत ज्यादा थक चुका है और बैठकर आराम कर रहा है। टंकी पे चढ़े थे हम लोग, वो छोटा टंकी था और जहाँ से पानी सप्लाई होता है वहाँ हम लोग जा रहे हैं, वहाँ मतलब जो लोग रहे मतलब कुछ दूरी पे वहाँ से पानी पूरा धौरा में सप्लाई होता है, वहाँ हम लोग जा रहे हैं। पूरा जंगल में एकदम है, ऊंचास पे है, यहाँ से मतलब पूरा धौरा नीचे है, देखिए पूरा जंगल है, जंगल का बहुत ही बढ़िया बेटर सीन है और ब्यूटीफुल यहाँ लग रहा है, बहुत ही नेचुरल लग रहा है यहाँ पे, नेचुरल वहाँ पूरा पौधा एकदम नेचुरल पौधा है यहाँ पे। पूरा देखिए पत्थर है यहाँ पे, अगर ठोकर लग जाएगा तो हम लोग गिर जाएंगे। यहाँ से पानी सप्लाई होता है, टंकी के पास पहुंच चुके हैं मेरा फ्रेंड लोग, अभी सीढ़ी से चढ़ रहे हैं, हम भी चढ़ेंगे वहीं सीढ़ी से ऊपर जाकर आप लोग को दिखाएंगे पूरा अधौरा और चैनपुरा पूरा मतलब जितना भी अधौरा के पहाड़ी का क्षेत्र है वहाँ से और ब्यूटीफुल लगेगा। देखिए वो लोग चढ़ गए, हम भी चढ़ रहे हैं, सीढ़ी बनाया हुआ है, अगर पैर छलक जाएगा तो आप लोग गिर भी सकते हैं यहाँ से। हम लोग टंकी के ऊपर पहुँच चुके हैं, यार डर भी लग रहा है कि स्लिप कर जाएगा पैर तो हम लोग गिर भी सकते हैं। और फिर देखिए यहाँ से कितना ब्यूटीफुल कितना लग रहा है यहाँ से पूरा, मतलब जितना पास में गाँव है मतलब अच्छे से नहीं आएगा क्योंकि कैमरा मतलब खासकर बढ़िया नहीं है, इसीलिए देखिए मेरा फ्रेंड है ये लोग भी है, अब अगर स्लिप कर जाएगा फर्श बहुत ही कौरिया गया है नीचे का, अगर यहाँ से गिर सकते हैं, गिरेंगे तो पूरा भगवान के पास हम लोग चले जाएंगे, बहुत ही मस्त पूरा है। देखिए और दिखा रहे हैं, बहुत ही पूरा हवा बहुत मस्त बह रहा है और पूरा आनंद आ रहा है यहाँ पे, देखिए बहुत ही पुराना लग रहा है टंकी और पूरा लग रहा है चूना पत्थर का बनाया हुआ टंकी लग रहा है।
करिए ना। देखिए आप लोग को और दिखा रहे हैं, हम लोग ऊपर चढ़े हुए हैं और लग रहा है नीचे है, मतलब कुछ नहीं तो 50 फीट की ऊंचाई पे हम लोग चढ़े हैं। जो टंकी है यहाँ पे, अभी हमको मालूम चला है कि ये टंकी से मतलब इतना चारों तरफ जो जो गांव है, पड़ोसी गांव है, वहाँ तक भी पानी जाता है। गांव का नाम नहीं मालूम है, मेरे फ्रेंड बताएगा। सोनू बताओ। चैनपुरा, पटपर, गुइया, भीपोर और बहुत सारा गांव है यहाँ पे, मतलब जितना सारा गांव है यहीं से पानी सप्लाई होता है। जैसे कि देख सकते हैं बहुत ही पुराना, मतलब जो अंदर लौक रहा है पूरा गहरा, एकदम नीचे पूरा खुदाई किया गया है और इसके अंदर ही पानी पूरा भर जाता है, यहीं से पूरा सप्लाई होता है। और जैसे गांव लौक रहा है बहुत दूरी दूरी दूर दूर पे, यहाँ से नहीं दिखाई देगा, वहाँ तक इधर अधौरा अधौरा पूरा पानी एकदम सप्लाई होता है। यहीं से पानी पानी के लोग नहाते हैं, फिसते हैं और पानी पीते भी हैं। 3 किलोमीटर चलकर हम लोग आए, हम लोग यहाँ पे मतलब अधौरा से 3 किलोमीटर की दूरी पर चलकर हम लोग पहाड़ी पे क्षेत्र पर आए हुए हैं। गाइज मेरे चैनल को बहुत ही सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलिएगा। बहुत ही मेहनत लग रहा है वीडियो बनाने में। चढ़ तो बनाओ तो का हो। अरे देखिए भाई, यहाँ पे देख सकते हैं चौरसिया जी लटक चुके हैं, अभी गिर गए होते गाइस चढ़ने में। देखिए हमारे चौरसिया जी हैं, गिर चुके हैं, सरक गया है उनका पैर और पेड़ से लजाते हुए उतर रहे हैं। बहुत मेहनत, देख लीजिए, सब्सक्राइब करें जरूर चैनल। पैर उड़ छिला गया है शायद।